आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिन भर आपके पास न जाने कितने कॉल आते होंगे जिनमें लोन लीजिए, इतने फीसदी ब्याज पर, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं, न जाने कितने तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते होंगे। कभी आपको सिम कार्ड आपकी ब्लॉक हो गई है, कभी बैंक के डिटेल्स अपडेट करने के नाम पर कॉल आते हैं। इस तरीके के फर्जी कॉल से आप बहुत परेशान हो गए होंगे। अगर आपने कहीं किसी प्राइवेट कंपनी से एक बार लोन ले लिया और आपने अगर उसको अपना नंबर दे दिया, तो दिन में कम से कम 15 से 20 कॉल लोन के लिए आपके पास जरूर आएंगे। और उसमें उन कॉल्स में वे ये कहते हैं कि आप इतने लाख के लोन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। कुल मिलाकर उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि आप किसी विवाह के कार्यक्रम में हैं, आप किसी पार्टी के कार्यक्रम में हैं, आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, या शाला में अध्ययन अध्यापन का काम करा रहे हैं, या किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए हैं। वे तो फोन लगाते ही सीधे स्टार्ट हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं कि हम फला फला कंपनी से बोल रहे हैं और आप सेलेक्ट हुए हैं। और लोन के लिए जब कॉल आते हैं, तब अगर कोई लोन नहीं लेना चाहता है और अगर उसके द्वारा इसको पूरे मजे लेते हुए मजाक बना दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा। इसी तरीके का एक ऑडियो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को भेजा गया है और ये ऑडियो सिवनी का ही बताया जा रहा है। आइए हम पहले आपको ऑडियो सुनाते हैं, उसके बारे बाद इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे। आइए सुनते हैं ऑडियो। लान हो गया ना? हो गया, सरकार से लिया है लान या अग्रोहा लान किए ना बेटा? तो कौन से बैंक से? सर पर्सनल लोन के लिए कॉल किया है मैंने। हाँ तो हो गई बात, हो गई उनसे। 5 तारीख का है। HDFC बैंक से बात हुई है सर? अरे वो कौन सा लान है, लोघर वाला तरफ है ना अग्रोहा लान? सर पर्सनल लोन के लिए मैंने कॉल किया है, बैंक से बात कर रही हूँ, HDFC बैंक से। ये लान किस तरफ है? ये लान किस तरफ है? ये लान किस तरफ है बेटा? हेलो, ये किस तरफ है लान तुम्हारा? क्या सर? ये लान किस तरफ है, हमारी इधर बात हुई है। लोन सर? हाँ वही तो, लान तो बोल रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रहे हैं सर आप? अरे तुम्हारा लान किस तरफ है? मैं सर HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, पर्सनल लोन के विषय में कॉल किया है सर। प्लानिंग बन रही है सर आपकी पर्सनल लोन की? अरे तुम क्या बता रहे बेटा, समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ? लान के बोल रहे क्या? लान वाले पैसा दे देना, तुम लान से बोल रहे क्या? कौन बोल रही? सर मैं हेड ब्रांच विजयनगर जबलपुर से बात कर रही हूँ सर। अरे जबलपुर नहीं भाई, सिवनी में हमारी बात हो गई है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, 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 जी सर। वो लान वाले से पैसा जमा कर दिया हमने तो। अच्छा। आधा भी दे दिए हैं, है ना? अच्छा हाँ, जबलपुर में भी सही आ रहे हैं, भी नहीं चाह रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो सर आप हैं? जी जी सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तुम भी आने मौसी के लिए, है ना? जी सर। अरे तुम लोग भी आओ, फोन करे हो ना घर से कोई ने? हाँ जी, हाँ ठीक है बेटा। भैया कहाँ का? हाँ बस रहो, आशीर्वाद बेटा, सदा सौभाग्य रहो। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना आपने कि महिला HDFC बैंक से लोन की, ऋण की बात कर रही है, पर जिन सज्जन को उसके द्वारा फोन लगाया गया है वे लोन की बात कर रहे हैं। और महिला कह रही है कि जबलपुर के HDFC बैंक से वो बोल रही हैं और जो सज्जन हैं जिनको उसके द्वारा फोन लगाया गया, वे कह रहे हैं कि उनके द्वारा अग्रोहा लान कर लिया गया है, पैसे भी शायद जमा कर दिए गए हैं। इस तरीके के कॉल्स आते हैं,
लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, पर जिस तरह से इनके द्वारा जवाब दिया गया वाकई बहुत ही खूबसूरत जवाब। लोन और लॉन का अंतर, लॉन शादी ब्याह अन्य कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा कराया गया होगा, पर यहाँ ये कहा जाए कि जो लोन प्रोवाइडर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी बैंक्स आदि हैं, उनके द्वारा एकदम चढ़ाई कर दी जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, और इस तरीके के कॉल से बचने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता है। इस सब के लिए चूंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और दूरसंचार विभाग के जरिए सारे जितने भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये ताकीद कर दिया जाए कि किसी के भी नंबर इन लोगों को ना बताए जाएं। दरअसल नंबर ही ये सारी कंपनीज निकाल कर एक के बाद एक कॉल कर दिए करवाए जाते हैं इनके द्वारा, और इसी उसमें कुछ लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं, जिस तरह से आपको अभी हमने दिखाया, आपने सुना कि किस तरह से उनके द्वारा इसका जवाब दिया गया। एक बार फिर हम सुनाते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोज आदि आपको पसंद आ रहे हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं इन सज्जन और मोहतरमा के बीच का वार्तालाप। लान हो गया ना? हो गया सर, कहाँ से लिया है? लान या अग्रोहा लान किया ना बेटा? तो कौन से बैंक से? शादी सर, पर्सनल लोन के लिए कॉल किया है मैंने। हाँ तो हो गई बात, हो गई उनसे 5 तारीख का है। HDFC बैंक से बात ही हुई है सर। अरे वो कौन सा लान है? लोघर वाला तरफ है ना अग्रोहा लान? सर पर्सनल लोन के लिए मैंने कॉल किया है, बैंक से बात कर रही हूँ, HDFC बैंक से। ये लान किस तरफ है? ये लान किस तरफ है? ये लान किस तरफ है बेटा? हेलो, ये किस तरफ है लान तुम्हारा? क्या सर? ये लान किस तरफ है? हमारी इधर बात हुई है। लोन सर? हाँ वही तो, लान तो बोल रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रहे हैं सर आप? अरे तुम्हारा लान किस तरफ है? मैं सर HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, पर्सनल लोन के विषय में कॉल किया सर। प्लानिंग बन रही है सर आपकी पर्सनल लोन की? अरे तुम कब बता रहे बेटा, समझे भी नहीं आ। अरे लान के बोल रहे क्या? लान वाले पैसा दे रहे ना, तुम लान से बोल रहे क्या? कौन बोल रही? सर मैं हेड ब्रांच विजयनगर जबलपुर से बात कर रही हूँ सर। अरे जबलपुर नहीं भाई, सिवनी में हमारी बात हो गई है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी सर। वो लान वाले से पैसा जमा कर दिया हमने तो, आधा भी दे दिए है ना। अच्छा हाँ, जबलपुर में भी सही आ रहे हैं भी। अच्छा। नहीं चाह रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो सर आप हैं? जी जी सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तुम भी आना मौसी के लिए, है ना? जी सर। अरे तुम लोग भी आओ, फोन करे हो ना घर से कोई ने? हाँ जी सर। हाँ ठीक है बेटा। भैया कहाँ का? हाँ बस रहो, आशीर्वाद बेटा, सदा सौभाग्य रहो। हाँ।